बाबूजी, ये तो आप ही का आशीर्वाद कि ये प्रिंटिंग प्रेस आपने मुझे दिला दी। नहीं बेटा, गुप्ता जी से प्रेस चल नहीं रही थी, उन्होंने तुम्हें बेच दिया। फिर ये तो तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, फिर बाकी तो सब श्याम बाबा का आशीर्वाद ही है। बाबूजी, मीरा भी हमेशा श्याम बाबा की भक्ति करती रहती हैं और आप भी हमेशा श्याम बाबा का नाम लेते रहते हैं, आखिर उनकी कहानी है क्या? अरे बेटा, तुमने कभी कुंवर जी को श्याम बाबा की कहानी नहीं सुनाई? बाबा, इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया मुझे। लो। बेटा, श्याम बाबा जो है ना, वो कलयुग के अवतार है। महाभारत की कहानी है वैसे, बस श्याम बाबा से जो कोई भी कुछ मांगता है ना, उसे मिल जाता है, इसीलिए उन्हें लखदातार भी कहा जाता है। महाभारत में एक बार अज्ञातवास के दौरान पांडव अपनी माँ कुंती और द्रौपदी के साथ वनवास के लिए जंगल गए। वहां उन्हें राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा मिलती है। सात प्राणी एक साथ, एक खाऊं कि दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? कौन है तू? मैं हिडिंब, इस जंगल का राजा, और ये मेरी बहन हिडिंबा। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। अरे मूर्ख नराधम, कैसा भाई है तू? अरे तूने कभी अपनी बहन के ब्याह के बारे में नहीं सोचा? अरे जंगल में आने वाले सबको तू खा जाएगा तो तेरी बहन से विवाह कौन करेगा? मुझे अब तक कोई ऐसा बलशाली नहीं मिला जो मुझे हरा सके। मेरी बहन का विवाह उसी से होगा जो मुझे युद्ध में हरा देगा। मैं तैयार हूँ। सोच लो, अगर हार गए तो तुम हम सबको अपना आहार बना लेना। और उसके बाद दोनों में दंगल की तरह युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हिडिंब मारा गया और कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद हिडिंबा ने पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया और फिर घटोत्कच का विवाह हुआ, जिसका पुत्र हुआ बर्बरिक, जिन्हें हम श्याम बाबा कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिवर को प्रणाम। आयुष्मान भव। ऋषिवर, ये किसके सैनिक हैं और कहाँ जा रहे हैं? धर्मयुद्ध में। धर्मयुद्ध? हाँ, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी है। हाँ? और भगवान कृष्ण ने इसे धर्मयुद्ध का नाम दिया है। मैं भी इस धर्मयुद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूँ। लेकिन पुत्र, तू अभी बालक है। बर्बरिक वीर बालक है अहिल्यावती, यदि इसकी इच्छा है तो इसे धर्म युद्ध में सम्मिलित होने दो। माँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, पर ये तो बता, तू किसकी ओर से युद्ध करेगा? जिसकी तरफ से आप कहेंगी माँ। वैसे पांडवों के पास ना सैनिक हैं और ना ही अस्त्र शस्त्र। पुत्र, तुम उनकी तरफ से युद्ध करना जो हारने वाले होंगे। तू हारे का सहारा बनना पुत्र। जो आज्ञा। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी जब तू मुझे युद्ध भूमि की घटनाओं का आंखों देखा वर्णन सुनाएगा।
अवश्य माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भवा। अब तो तुम्हारे मन की सारी शंकाएं दूर हो चुकी होंगी अर्जुन। युद्ध भूमि में कोई अपना और पराया नहीं होता। क्या अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो? कौन हो तुम बालक और यहाँ क्या करने आए हो? बताओ बालक। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। युद्ध के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो बालक, और किसी भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि तुम किस कुल के हो बालक, धनुर्विद्या कहाँ से ली है, तुम्हारा गुरुकुल कहाँ है और तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु और मार्गदर्शक दोनों ही श्री कृष्ण हैं। बचपन से लेकर आज तक धनुष पर तीर डालने के पहले और बाद में उन्हीं का स्मरण करता हूँ। तुम्हारे तीर की धार का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी वाणी की धार बहुत तेज है, और वैसे भी तुम्हारे तरकश में सिर्फ तीन ही बाण हैं। इन तीन तीरों से मैं तीनों लोगों को समाप्त कर सकता हूँ। बालक, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। ये तीन बाण मुझे भगवान शंकर ने मेरी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर दिए हैं। अच्छा, मैं विश्वास तब करूंगा जब तुम मात्र एक बाण से इस वृक्ष के सारे पत्तों को भेद दोगे। जो आज्ञा। प्रभु, मैंने तीर को आदेश केवल पत्तों को भेदने का दिया है, ना कि आपके पांव को। क्षमा करें प्रभु, आप इस पत्ते से अपना पांव हटा लें। कौन हो तुम? मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, मैं भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। बर्बरिक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत ही वीर और अच्छे धनुर्धर हो, लेकिन ये बताओ युद्ध किसकी ओर से लड़ोगे? प्रभु, शिष्य तो मैं आपका हूँ, लेकिन मैं माँ को वचन देकर आया हूँ कि जो हारेगा मैं उनका साथ दूंगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। तुम्हारे विचार बड़े उत्तम है बर्बरिक, और जब तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। प्रभु की जो आज्ञा, मैं वचन देता हूँ, आप जो भी मांगेंगे मैं वो दूंगा। सोच लो बर्बरिक। जी, सोच लिया प्रभु। ठीक है, तो मुझे अपने शीश का दान दे दो। प्रभु, ये क्या मांग लिया प्रभु? क्या हुआ बर्बरिक? मैं तैयार हूँ प्रभु, बस एक विनती है कि मैंने माँ को वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करूंगा। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, मेरे शीश का दान ग्रहण कीजिए। तरह से महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक इस युद्ध का हिस्सा बनता तो महाभारत का अंत कुछ और ही होता। इसलिए युद्ध समाप्ति के पश्चात वो पुनः बर्बरिक के पास पहुंचे। वीर बर्बरिक, ये बताओ युद्ध में तुमने क्या देखा? चक्र सुदर्शन है बलदाई, काट रहा था दल जिमिकाई, रूप द्रौपदी काली काधर, हो विकराल ले कर में खपत, भर भर रुधिर पिए थी प्यासी, थी कृष्ण की लीला ये सारी। इस संसार में तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं बर्बरिक, तुम वीर योद्धा ही नहीं वेद पुराण के ज्ञाता भी हो। महाभारत का सत्य तुमने अपनी दिव्य आंखों से देखा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस युग के उपरांत कलयुग आएगा, और कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही नाम श्याम के नाम से जानेंगे। तुम्हारी पूजा अर्चना घर घर में होगी।
भक्तों को मेरी पूजा से 100 गुना ज्यादा फल तुम्हारी पूजा से मिलेगा और लोग तुम्हें खाटों के श्याम के नाम से जानेंगे। ये थी हमारे श्याम बाबा की कहानी।